ये नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिश मास्टर फार्मेसी दोस्तों, जो हमारे पास है टेबलेट। आज हम इस टेबलेट के मेन यूज़, इसके साइड इफेक्ट, इसकी डोज, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों जो हमारे पास टेबलेट है, इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है डेली आयरन, इसका कंपनी ने ब्रांड नेम रखा दोस्तों, अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। चलिए दोस्तों अब इसके साल्ट यानी फार्मूले के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो है आयरन फॉरिक एसिड है दोस्तों, जैसे आप नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं आयरन फॉरिक एसिड। दोस्तों इसका जो जेनरिक नाम है वो आयरन फॉरिक एसिड है दोस्तों, इसका साल्ट फार्मूला आयरन फॉरिक एसिड है। चलिए दोस्तों अब इसके हम आपको मेन यूज़ बताएंगे दोस्तों अभी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फॉरिक एसिड ये है क्या दोस्तों। ये एक विटामिन है दोस्तों, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में दोस्तों, जिसे हम दोस्तों विटामिन 9 भी कहते हैं। तो दोस्तों चलिए फोरिक एसिड के हम मेन यूज़ जान लेते हैं दोस्तों। अब इसके दोस्तों इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो जैसे हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, मतलब खून के लिए इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए प्रेगनेंसी में खून की कमी हो जाती है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों प्रेगनेंसी में ये प्रेगनेंसी लगने के बाद 2 महीने बाद में चालू कर देनी चाहिए, यानी कहने का मतलब अगर शरीर में फोलिक एसिड की कमी है तो ये पूरा करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। अगर दोस्तों आपको एनीमिया यानी खून की कमी एनीमिया है तो आपको उसमें भी इसका यूज़ दोस्तों लिया जाता है इस टेबलेट। अब चलिए दोस्तों इसका मैं मेन यूज़ हिंदी में बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, पोषण की कमी हो जाती है, जैसे खाने पीने में हमारी कमी रहती है, हम खाना नहीं खाते तो उसमें पोषण की कमी हो जाती है, तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। प्रेगनेंसी में एनीमा हो जाता है खून की कमी, जैसे मैंने भी आपको आगे बताया, उसमें दोस्तों इसका यूज़ लिया जाता है। विटामिन B9 की कमी हो जाती है तो दोस्तों उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, यानी कि दोस्तों कुल मिला के इसे खून की कमी में इसका यूज़ लिया जाता है इस टेबलेट का, आयरन फोलिक एसिड का। चलिए दोस्तों तो हमें इसके बारे में इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट भी बताए देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको एनफेक्टिक रिएक्शन दिख सकता है, उलझन हो सकती है, दौरे हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकती है, एरिथामा एक बीमारी है दोस्तों, चमड़ी की बीमारी है जिस पर लाल लाल दाने हो जाते हैं दोस्तों, वो हो सकता है आपको, लाल चकदे हो सकते हैं, त्वचा का लाल होना, जैसे त्वचा लाल हो जाती है ऐसा हो लाल हो जा सकती है दोस्तों, और बुखार भी आ सकता है आपको, और दस्त भी लग सकते हैं दोस्तों इस टेबलेट का जो साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों अब चलिए इसके कुछ कॉमन से इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड जान लेते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि कोई गर्भवती महिला होती है तो दोस्तों वो इसका टेबलेट का सेवन कर सकती है, क्योंकि दोस्तों उसमें खून की कमी हो जाती है जब बेबी बनता है तो गर्भवती महिला 2 महीने बाद में अपने डॉक्टर की बिना सलाह से भी प्रेगनेंसी लगने के 2 महीने बाद में भी ले सकती है दोस्तों इसका टेबलेट का सेवन। और दोस्तों जो स्तनपान करने वाली महिला होती है, जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है, वो भी इस टेबलेट का सेवन कर सकती है बिना डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि उसको ज़रूरत होती है ब्लड की। और दोस्तों गुर्दे और किडनी पे भी इसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट होता नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ नुकसान हो रहा है तो इसे तुरंत लेना बंद करें, अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लें ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सके। और दोस्तों जिगर लीवर वाले भी इसे बिना डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता दोस्तों। और हार्ट वाले भी दोस्तों अपने बिना डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि इनमें से अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी हो तो इस टेबलेट का सेवन नहीं करें, जैसे दोस्तों के ड्राई एलर्जी होती है दोस्तों, उसमें इसका यूज़ ना करें। गुर्दे की बीमारी होती है, उसमें इसका यूज़ नहीं करें दोस्तों। पेरिसेनियस एनीमा यानी खून की कमी हो जाती है दोस्तों, एक बीमारी है उसमें, अगर उसकी खून की कमी हो जाती है तो इस टेबलेट का उसमें सेवन नहीं करें, गुर्दे की बीमारी में और ड्राई एलर्जी में इसका सेवन नहीं करें दोस्तों। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि कोई भी दवा ऐसी इस टेबलेट के साथ में ना ले, एंटीबायोटिक दवाई नहीं ले कोई भी इसके साथ में जो आपके पेट में एसिड को कम करता हो, ऐसी दवा ना ले दोस्तों। चलिए अब मैं आपको ये लिस्ट दिखा रहा हूँ दोस्तों, जो दवाई है इस टेबलेट के साथ में नहीं लेनी होती है उसकी दोस्तों, ये लिस्ट आप नीचे देख रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं इसमें दोस्तों, मतलब जो आयरन फॉरिक एसिड के साथ में जो दवाइयाँ ना लेनी होती है उसकी लिस्ट दोस्तों मैंने नीचे दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं इन दवाइयों को साल्ट नेम से नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो आप ये लिस्ट में इन टेबलेटों का नाम पढ़ सकते हैं दोस्तों, और बात को आप साल्ट देख सकते हैं दोस्तों। ए बी टेबलेट जैसे आप देख रहे हैं इसे नहीं लेना होता दोस्तों, एमोनियम टेबलेट इसे नहीं लेना होता दोस्त, रोवर एन टेबलेट 40 इसे भी नहीं लेना होता दोस्तों। ये कुछ टेबलेट हैं जैसे आप देख रहे हैं, एमपी टेबलेट इसे भी नहीं लेना होता दोस्तों। तो दोस्तों इन दवाइयों का जो जो इसमें लिस्ट में है, इन दवाइयों का सेवन नहीं करें इस टेबलेट के साथ में दोस्तों, आयरन फोरिक एसिड की। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसके कुछ आपको वो बताए, और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसे ड्राइवरी करते में जैसे कि मतलब किन बातों का सावधानी रखनी चाहिए आपको दोस्तों। जैसे आप ड्राइवरी करते हैं तो दोस्तों ड्राइवरी मतलब मशीन पे काम नहीं कर सकते, आप ड्राइवरी नहीं चला सकते, क्योंकि दोस्तों इसमें नींद आने का खतरा होता है। और दोस्तों ये टेबलेट मस्तिष्क यानी दिमाग वाले डॉक्टर नहीं यूज़ करते, क्योंकि इसका दिमाग पर बिल्कुल भी असर नहीं होता दोस्तों। और दोस्तों इस टेबलेट को आप खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट रहता है वो खाना खाने के बाद में इस टेबलेट का यूज़ करें दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी डोज बताई देते हैं। दोस्तों बच्चों में मैं बच्चों की बताई देता हूँ। सबसे पहले 5 mg की टेबलेट बच्चे ले सकते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं। और दोस्तों इस टेबलेट को खाली पेट भी ले सकते हैं दोस्तों। चलिए तो मैं इसकी डोज बता रहा हूँ अब आपको, यानी 15 साल से ऊपर की डोज बता रहा हूँ दोस्तों। इसकी जो डोज होती है, इसे दोस्तों दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे दिन में मतलब 1 बार भी ले सकते हैं। वैसे दिन में 1 ही बार लेनी होती है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो 2 बार भी डॉक्टर इस टेबलेट को दे सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसको मैं बता देता हूँ, दूध और कैल्शियम की टेबलेट के साथ में इस टेबलेट का सेवन नहीं करें। अगर इनके साथ में लेते हैं तो इसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसका जो यूज़ लिया जाता है, मेन यूज़ वो खून की कमी में, शरीर के खून में, अगर शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसमें यूज़ लिया जाता है। प्रेगनेंसी में जब खून की कमी हो जाती है दोस्तों लेडीज़ के, तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों जैसा एनीमा हो जाता है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। या पोषण की कमी हो जाती है, मतलब खाने पीने में हमारी कमी हो जाती है, खून बनता है। तो दोस्तों ये और अपनी कॉम्बिनेशन की साल्टों के साथ में भी आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं जिंक सल्फेट एंड फॉरिक एसिड टेबलेट दोस्तों। तो दोस्तों जिंक सल्फेट एंड फॉरिक एसिड इस साल्ट के साथ में भी आती है, और भी कॉम्बिनेशन के साथ में आती है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसा फोटो में देख रहे हैं दोस्तों, उसका एक साल्ट ये फोरस स्कोरबेट एंड फॉरिक एसिड दोस्तों। ऐसे एक पतेरे साल्टों के फार्मूले कॉम्बिनेशन के साथ में आती है। तो दोस्तों चलिए अब मैं इसका मेन यूज़ आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो खून की कमी में, प्रेगनेंसी में खून की कमी हो जाती है उसमें लिया जाता है। पोषण की कमी हो जाती है, खाने की कमी, या दोस्तों प्रेगनेंसी में जैसे बेबी बनता है तो उसमें खून की कमी हो जाती है दोस्तों, और तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। कुल मिला के एनीमा में इसका यूज़ लिया जाता है। कुल मिला के दोस्तों इसका खून में, इसका बनाने में इसका यूज़ लिया जाता है, खून की कमी में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों और दोस्तों ज़्यादातर ये प्रेगनेंसी गर्भवती महिला को दिया जाता है, जब इसको 2-3 महीने के बाद में खून की, जब बेबी बनने लगता है उसके बाद में खून की कमी हो जाती है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों खून की कमी में इसका यूज़ दिया जाता है बॉडी में, जब खून की कमी हो जाती है। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।